नमस्कार, इजी केस पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे आईआईबीएफ का एग्जाम क्या सीएसपी संचालक एईपीएस संचालक को देना होगा, क्या एईपीएस संचालक को भी ये सर्टिफिकेट की जरूरी होगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से बराबर अपलोड होते रहता है। सीएसपी खोलने के लिए अगर आप सोच रहे हैं, किसी भी बैंक का सीएसपी खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो आईआईबीएफ का एग्जाम देना ये बहुत ही जरूरी है और बिना आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लिए हुए आपको कोई भी बैंक का सीएसपी नहीं मिल सकता है, अगर आप किसी भी बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं, क्या एईपीएस संचालक को भी आधार विड्रॉल से पैसे निकासी का काम करते हैं तो क्या आपको भी ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईआईबीएफ का मतलब होता है जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय बैंकिंग एंड वित्त संस्थान, जो कि भारत की ये संस्थान है, एक ऐसी संस्थान है जो बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में शिक्षा देती है, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में एवं वित्त की शिक्षा ये देकर एक सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि सर्टिफिकेट अगर आप कोई भी बैंक का विषय बनते हैं, बैंक मित्र बनते हैं, बैंक सीएसपी मिनी बैंक खोलते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी होता है। एईपीएस संचालक के लिए अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है, अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको एईपीएस का भी, अगर आप किसी भी कंपनी में आईडी लेंगे तो ये एग्जाम आईआईबीएफ का देना पड़ सकता है। तो आईआईबीएफ क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया कि एक बैंकिंग जो है बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में जानकारी आपको प्रदान करके एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जो भारत की एक संस्थान है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि ये सर्टिफिकेट आपको कोई भी बैंक का अगर आप बीसी लेंगे तो ये आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड होगी। मैं बताते चलूं कि इंडियन जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, ये सर्टिफिकेट आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप एग्जाम दे सकते हैं अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको समझाने का यही एक उद्देश्य था कि हम आपको ये बता सके कि क्या एईपीएस संचालक को भी यह एग्जाम देने की जरूरत है। फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि इस तरह का अनिवार्य नहीं किया गया है एईपीएस संचालक के लिए, लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है। बैंक का सीएसपी अगर खोलना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट अनिवार्य है।